पिछले 1.5 महीने से अल्मोड़ा का डेंजर जोन बन चुका नेशनल हाईवे 109 क्यारब के पास पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने के कारण बंद हो गया है। फिलहाल जेसीबी की मदद से सड़क खोलने की कोशिश जारी है। डेंजर जोन में दरक रही पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने लोगों से अन्य संपर्क मार्गों से आवागमन करने की अपील की है। हालांकि लोगों के लिए सिरदर्द बन चुकी इस पहाड़ी का ट्रीटमेंट नेशनल हाईवे के संबंधित विभाग द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार सिर्फ औपचारिकता निभा रही है जबकि आम जनता परेशान है। वरिष्ठ नागरिक पीताम्बर पांडे का कहना है कि नेशनल हाईवे के अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, यही कारण है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी क्वारब में मिट्टी हटाने के अलावा कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, इसमें भारत सरकार से जीएसआई और टीएचडीसी की टीम आई थी, उनके द्वारा घर का सर्वे कर किया गया है। उन्होंने प्रथम फेज में प्राइमरी रिपोर्ट तो अपने विभाग को जमा कर दी गई है, परंतु उनके द्वारा कहा गया है कि अभी रिपोर्ट में और स्टडी करने में समय लगेगा, तो अभी उस पर थोड़ा चर्चा है। बाकी उसमें प्राथमिक कार्य जो होने हैं वो एनएच द्वारा कराए जा रहे हैं रात्रि में, और आज 12 बजे काफ़ी मलबा आने की वजह से सड़क पूरी तरह बाधित हो गई है, जिसका वैकल्पिक मार्ग डोबा चौसली और SS-13 जो हमारा है विश्वनाथ होते हुए शेयर फाटक होते हुए जाएंगे। बाकी SS-14 है जो बागेश्वर जाने वाले लोग हैं वो SS-14 का इस्तेमाल कर सकते हैं, खेरना रानी की वाला मोटर मार्ग। बाकी अभी तो ये मार्ग बंद ही है, संभावना है कि 3-4 घंटे बाद मार्ग खोला जा सकता है, स्थिति को देख के फिर बताया जाएगा। ये क्वारब जो स्पॉट बना हुआ है दुर्घटना का क्षेत्र, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार और एक प्रशासन और एक विभाग जो है कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। लगातार केंद्रीय टीम आई, केंद्रीय मंत्री जी ने टीम भी बुलाया है, ड्रामा भी दिखाया कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन इतना समय बीत रहा है, इसमें एक व्यक्ति भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आए दिन मलबा आ रहा है, आए दिन उस पर से लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और बहुत ज्यादा परेशानी क्षेत्र को इधर पूरे इस रोड के खातिर हुई है। NH जो है इसको देखने वाला मुझे लगता है कि न तो विभाग न सरकार इसकी ओर कोई ध्यान है, खाली दिखावा मात्र है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और ये निश्चित ही ऐसा लगता है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।